है, अगर ये क्वेश्चन वोशन भी ऐसा आ जाए तो आप कर दोगे। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है, ठीक है? आपको पता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो एक्चुअल फैक्ट बताता है, सच बताता है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और जो बताता है डिजायर्ड पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको मैं सबका एक साथ क्या करूंगा, नोट्स दे दूंगा, एक बार मैं पढ़ा दूंगा सबको, ठीक है? फिर आपको पता है डैश इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताओ नाम कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसको बोलते हैं? डैश इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बस आपको ये चीज पता है। फिर मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई है इकोनॉमिक्स की, मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई है। अगर मैं आपसे पूछूं वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, मैं आपसे पूछूं वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, मैं आपसे पूछूं स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दी है, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। अच्छा, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। और स्केयरसिटी डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। आपको ये पता है, ठीक है? इसमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, इकोनॉमी क्या होती है? चलो मेरे को ये बता दो, किसी भी इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट कौन से होते हैं? किसी भी इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट कौन क्या क्या होते हैं? एक इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट क्या होते हैं, चलो बताओ। वेरी गुड। अगर एक इकोनॉमी की आप बात करते हो तो इकोनॉमी में सबसे पहले होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में होना चाहिए प्रोडक्शन, इकोनॉमी में होना चाहिए कंजम्पशन। इकोनॉमी उस प्लेस को बोलते हैं जहां लोग पैसा कमा रहे हैं, लिविंग अर्न कर रहे हैं, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छा है कि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं। हमने इतना पढ़ दिया है, इतना हमको पता है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम इकोनॉमी के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमी को एक बार मैं वापस से आपके नजदीक दे रहा हूँ, फिर आपको आगे चीजें बताता हूँ। इकोनॉमी का मतलब होता है अ सिस्टम वेयर पीपल अर्न देयर लिविंग, जहां लोग कमाई करते हैं, ठीक है? उसे बेसिकली इकोनॉमी कहते हैं। कमाई करने के लिए जरूरी ये होती है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन। एक ऐसी प्लेस जहां पर क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये सब आपको आइडिया है, आपको पता है, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन, ठीक है? एक ऐसी प्लेस जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है? जैसे हमारा देश एक इकोनॉमी है जहां पे हर इंसान क्या है, पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या, बताना? अ पर्सन हु कंडक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेसमैन ऑब्लिक फर्म। वो पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, जो पैसे कमाता है, अक्सर वो एक बिजनेसमैन होता है या फर्म होता है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप ये बताओ। आप बोल रहे हो इकोनॉमी एक प्लेस है जहाँ लोग अपनी कमाई कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो बिजनेसमैन। अब मधु एक बार ना डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मेनली जो कमाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, फर्म कहलाते हैं। फर्म मतलब होता है बिजनेसमैन जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आज की डेट में अगर मैं आपको एक बिजनेस करने बोलूं, ठीक है,
आपको इंडिया में ये बिजनेस करना है, ठीक? आप कौन सा बिजनेस करोगे, आप मेरे को बताओ। आपको इंडिया में अभी कोई बिजनेस करना हो तो कौन सा बिजनेस करोगे? चलो बताओ, फटाफट बताना, कौन सा बिजनेस करोगे, क्या करोगे इंडिया में, क्या काम करोगे, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्या करोगे? ठीक, मेडिकल स्टोर ओपन करोगे, और क्या कर सकते हो? फूड, मोबाइल, एग्रो इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री, ग्रोसरी, डेली नीड, मेल फैक्ट्री, मिल फैक्ट्री। ठीक है, मतलब आपको इतना अच्छा नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ट्रेवल एजेंसी, एकदम सही आप बोल रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि सपोज करो, जैसे आप तो एकदम सही बताए कि ये सारे बिजनेसेस आप इंडिया में कर सकते हो। अब मेरा मन है कि इंडिया में ऑडी कार का एक प्लांट डालू, जहां पे ऑडी कार मैन्युफैक्चर हो, कार की कीमत होगी 70 लाख रुपए। एक बात बताओ, भारत का कॉमन मैन, आम आदमी इस कार को खरीद सकता है क्या? खरीद पाएगा क्या आम आदमी इस कार को खरीद पाएगा? सीधी सी बात है, तो ऐसा बिजनेस करने का मतलब ही क्या है जहां लोग अफोर्ड ना कर पाए। चलो ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मैं ऑडी कार बना रहा हूं, तो चलो अगर मैं बना रहा हूं तो उसके लिए मैं एक प्लांट डालूंगा या फैक्ट्री डालूंगा। तो मैं ये जो कार है उसके पार्ट्स कैसे बनवाऊं? मशीन्स के थ्रू बनवाऊं कि लेबर्स का इस्तेमाल करूं? आपको क्या लगता है, मशीन्स का इस्तेमाल करूं कि लेबर का इस्तेमाल करूं? प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, मशीन का कि लेबर का? लेबर मतलब होता है भाई मजदूर, और मशीन मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन। ठीक, तीसरा आपसे सवाल यह है कि ये जो कार बनी है ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, रिच के लिए बना रहा हूं कि पुअर के लिए बना रहा हूं? रिच के लिए बना रहा हूं कि मैं पुअर के लिए बना रहा हूं? चलो अब जब इतनी बातें मेरे को बता दी हो तो ये भी बता दो, इन एवरी इकोनॉमी द रिसोर्सेस आर डैश। कोई भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस डैश होती है, चलो बताओ कैसी होती है? मतलब मैं सब कुछ नहीं बना सकता, मुझे देखकर बनाना है जिससे लोगों की सही नीड फुलफिल हो। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। इकोनॉमी का तो मतलब आप समझ गए हो, एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, मनी अर्न करने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है सर, पैसा अर्न करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, जो करते हैं उनको अपन फर्म बोलते हैं। ये बात आपको क्या है, समझ आ गई, और आपने हर चीज बहुत सही बताई है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम अगर एक इकोनॉमी के बिजनेसमैन हो या फर्म हो, तो तुम्हारे लिए मेन प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द, ये बहुत अच्छे से सुनना, और ये एग्जाम में पूछता है और पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक बार मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताया था, वो था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो इसलिए आई क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड थी, वॉन्ट्स अनलिमिटेड थी, और अल्टरनेटिव यूजेस थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो एक इकोनॉमी में आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी। तो याद रखना, द सेंट्रल प्रॉब्लम या मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जब आप पैसा कमाने जाते हो तो इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है? दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी जो आपके लिए जो तकलीफदायक बात होती है एक इकोनॉमी में, वो होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमने जो ऊपर डिस्कशन किया इसी को लेकर है।
कहने का मतलब बेसिकली मैं आपको सिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। अदिति एक बिजनेसमैन है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है इकोनॉमी में। अगर इसको अपने बिजनेस को रन करना है या प्रॉफिट में चलाना है तो इसको तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले इसको क्या बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है द फर्म हैज, फर्म मतलब बिजनेसमैन को बोलते हैं, ध्यान रखना, हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, दैट इज व्हाट गुड्स शैल बी प्रोड्यूस, क्या बनाए। एक बिजनेसमैन है, जब तक बनाएंगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो क्या बनाए जो बिक जाए। तो आप एक बात बताओ, दो तरह के आइटम्स हो तो आप क्या बनाना चाहोगे। एक है लग्जरी आइटम्स और एक है कंज्यूमर आइटम्स। आप अपने समाज को देख लो, सोसाइटी को देख लो, उसके हिसाब से बनाओ। लग्जरी आइटम्स का मतलब होता है जो महंगे आते हैं, जैसे ऑडी कार, ऊपर एग्जांपल में अपन ने दिया आईफोन, ये सब क्या है, लग्जरी आइटम्स है। कंज्यूमर आइटम्स क्या हो जाता है, बिस्किट सोप, ये सब कंज्यूमर आइटम होता है। तो अगर आपकी सोसाइटी हाई क्लास है, हाई क्लास सोसाइटी है, तो आप लग्जरी आइटम्स आराम से बना के बेचो। और आपकी सोसाइटी अगर मिडिल क्लास है, तो फिर आप कंज्यूमर आइटम ज्यादा बना, क्योंकि महंगा आइटम तो लोग खरीदते नहीं है। तो किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। लग्जरी आइटम बनाए, लग्जरी गुड्स बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। ईमानदारी से बोलना, आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई बात समझ आई, पहली प्रॉब्लम क्या है। वहां पे हम देखेंगे क्या जरूरत है लोगों को, जो जरूरत है वो देखकर बनाएंगे किसी भी इकोनॉमी में। क्योंकि अगर हम लोगों की जरूरत देखकर सामान नहीं बनाए तो सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का बेटा मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे बनाओगे। दो टेक्निक होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है यूज ऑफ मशीन, और दूसरी टेक्निक होती है किसी भी सामान को बनाने की लेबर इंटेंसिव, इसका मतलब होता है यूज ऑफ लेबर। अब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें मैनुअल वर्क होता है, मैनुअल वर्क मतलब हाथ से काम होता है, जैसे पापड़ मेकिंग, तो आपके लिए कौन सी टेक्निक बेटर है। बेटा हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जैसे एक इकोनॉमी में हम मनी अर्न करना चाहते हैं तो हम मेनली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज अ बिजनेसमैन। सबसे पहले हम फेस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है, महंगा सामान बनाए सस्ता सामान बनाए। अगर लोग बहुत अमीर है तो लग्जरी आइटम बनाएंगे, और अगर लोग मिडिल क्लास है हमारे जैसे है तो कंज्यूमर आइटम बनाएंगे। ये होता है सबसे पहला प्रॉब्लम जो कोई बिजनेसमैन फेस करता है, बनाए क्या। दूसरा कैसे बनाए, तो दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो बेटा, मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेबर का। तो देख लो बिजनेस कैसा कर रहे हो। जैसे मैनुअल वर्क है, पापड़ वापड़ बनाना है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाओ। अगर आपको मान लो कोई बड़ी फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, तो वहां पे तो हाथ से चीजें नहीं चलेगी, तो बेटर है आप क्या करो, मशीन्स का यूज करो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाओ। तो आप देख लो आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपको लेबरों से काम करवाना है तो आप लेबर से भी वर्क करा सकते हो, और अगर ऑटोमेटिक वर्क कराना है तो आप मशीन्स का भी इस्तेमाल करवा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। आप बिजनेस कैसा कर रहे हो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप मशीन से काम करवाओगे कि आप लेबर से काम करवाओगे, ठीक है। ये आपकी चॉइस होगी। यहाँ पे हमको चॉइसेस ही करनी है कि भाई मेरे को बिजनेस चलाना है, क्या बनाऊ, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊ, लेबर का इस्तेमाल करूं, मशीन का, जैसा बिजनेस लगेगा वैसा करेंगे यूज। और तीसरी बात, किसके लिए बनाऊ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यार देखो, मैं चैरिटी करने नहीं बैठा हूं, मैं प्रॉफिट कमाने बैठा हूं, तो मैं किसके लिए बनाऊ, रिच के लिए बनाऊ सामान, कि पुअर के लिए बनाऊ, कि मिडिल क्लास के लिए बनाऊ, ठीक है। हाँ बेटा बताओ, क्या डाउट है, डाउट बताइए।
अमीर के लिए बनाओ कि गरीब के लिए बनाओ, तो देन अगेन मेरे को इसके लिए अपनी सोसाइटी को देखना होगा, ठीक है। हाँ मिडिल क्लास भी आता है, अपनी सोसाइटी को देखना होगा। अगर हमारे यहाँ मेजर पॉपुलेशन जो है, अगर मेरे यहाँ पे मैं मिडिल क्लास भी लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मेरी मेजर पॉपुलेशन जो है अमीरों से कंस्टिट्यूट होती है, रिच पीपल से कंस्टिट्यूट होती है, जैसे यूएस, तो फिर मैं महंगा सामान बना सकता हूँ, ऊंची कीमत का सामान बना सकता हूँ और अमीरों को बेच सकता हूँ। अगर मैं गरीब देश में रहता हूँ जैसे भूटान, ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती। जैसे अपन ना एरिया भी देखते हैं, अगर कई जगह बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहती है तो हम खुद कोशिश करते हैं कि मशीन का इस्तेमाल ना करें, लेबर्स का इस्तेमाल करवाएं, ये जरूरी नहीं है। वेरी गुड, ये भी बहुत सही बात है, तीनों के काम आए। लेकिन कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन की एक अप्रोच होती है, वो सोसाइटी के एक हिस्से को टारगेट करता है। जैसे ना आपको मैं चिप्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चिप्स भी ना कैटेगरी देख देख के बनाए जाते हैं। जैसे रईसों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए ना फैट फ्री चिप्स आते हैं, वो अलग ही कैटेगरी के रहते हैं, वो अब एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, एक एक पैकेट 100-100 रुपए का आता है, ठीक है। अपने मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या होता है, हल्के फुल्के आता है, 10 रुपए वाला पैकेट आता है अंकल चिप्स का, या कोई भी पैकेट लेज आता है। और जैसे जो पुअर क्लास है, एकदम ही गरीब है, उनके लिए अनब्रांडेड चिप्स आते हैं। देखना, अनब्रांडेड चिप्स का मतलब होता है बिना लेबल वेबल लगाए चिप्स 2 रुपए पैकेट में मिल जाते हैं। तो बिजनेसमैन वही है, क्लास दे दे देख देख के लोगों के लिए सामान बनाता है, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई? हाँ या ना? तो ये तीन प्रॉब्लम्स देख लो जो इकोनॉमी में अपन फेस करते हैं बेटा। समझ गया निशिता? गुड, चंचल समझ आ गया? तो हम इकोनॉमी में तीन तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। क्या बनाए मतलब लग्जरी आइटम बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए। कैसे बनाए, मशीन का यूज करें कि लेबर का यूज करें, हमें यह भी देखना होता है। और तीसरा, किसके लिए बनाए, रिच के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पुअर के लिए। चॉइस तीनों है। सभी लोग इनका हैंड रेस करके और चैट में बताओ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यहां मैं ब्रैकेट में इसको लिख दे रहा हूं ऐसे, ताकि आपको पता रहे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसमें आपको बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आपको इकोनॉमी का मतलब समझ आ गया, इकोनॉमी पर प्रॉब्लम क्या है आपको ये समझ आ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको एक नया कंसेप्ट बता सकता हूं, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी भी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। निश्चिता, मैं नहीं समझ पाए आप क्या बोले बेटा। कैपिटल ऑफ इकोनॉमी मतलब, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी, मतलब एक इकोनॉमी की तीन प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके पहले हमने ना लास्ट क्लास में कंपोनेंट पढ़ा था कि कभी भी याद रखो, इकोनॉमी बनाने के लिए क्या करना होता है, तीन कंपोनेंट लगते हैं, पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्शन करो, कंजम्पशन करो, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप एक बार में इसको पढ़ देना, ठीक है। अब हम आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट पे। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फर्म, ब्रांड नेम, बिजनेसमैन, ये सारी चीजें एक ही होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, मतलब समझा रहा हूं एक बार में समझना, और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द सैक्रिफाइसिंग वैल्यू। सर कुछ नहीं समझ आया क्या? देखिए पूरी तरह से समझा रहा हूं तो आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द सैक्रिफाइसिंग वैल्यू, और इन अदर वर्ड्स द थिंग
which was best but was sacrificed for selection of other, for selection of other. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, आपने लाइफ में कभी भी ये नहीं सुना है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है. ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइसिंग वैल्यू होता है. इसका मतलब होता है एक चीज जो बेस्ट थी लेकिन कुछ पाने के लिए जिसको आपने सैक्रिफाइस कर दिया उसे हम बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको ये बात समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से. ये देख लो, रिफर्स टू सैक्रिफाइसिंग वैल्यू, और इन अदर वर्ड द थिंग विच हैज बीन विच वॉज बेस्ट बट वॉज सैक्रिफाइज फॉर सिलेक्शन ऑफ अदर. जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज करो सिचुएशन ये है कि आशुतोष ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया. अब जब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसको तीन कंपनियों से ऑफर आए हैं. एक ऑफर उसे रिलायंस की तरफ से आया है, एक ऑफर उसे टाटा की तरफ से आया है, ठीक है, और तीसरा ऑफर उसे एयरटेल की तरफ से आया. तीन कंपनियों से इसे ऑफर आए. रिलायंस इसे पैकेज दे रहा है 12 लाख रुपए महीने का, 12 लाख रुपीज पर मंथ का पैकेज दे रहा है. टाटा इसे पैकेज दे रहा है 15 लाख रुपीज पर मंथ का, ठीक है, और एयरटेल जो है वो पैकेज दे रहा है 10 लाख रुपए पर मंथ. अब एक बात बताओ, आशुतोष कौन सा पैकेज चुनेगा, कौन सी नौकरी ज्वाइन करेगा, नौकरी कौन सी ज्वाइन करेगा, रिलायंस की, टाटा, एयरटेल, कौन सी नौकरी ज्वाइन करेगा? कॉमन सेंस की बात है, टाटा ज्वाइन करेगा यार, 15 लाख रुपए महीना दे रहा है. अगर टाटा नहीं ज्वाइन किया होता तो क्या ज्वाइन करता, टाटा नहीं ज्वाइन किया होता तो क्या ज्वाइन करता, रिलायंस ज्वाइन करता. तो यहाँ पे सेकेंड बेस्ट क्या है, रिलायंस, राइट. तो अगर आपने टाटा की जॉब चूज करी, अगर आशुतोष बोलता है कि मैं टाटा की नौकरी चुनूंगा 15 लाख रुपए महीना की, तो इसने सैक्रिफाइस किसका किया, नेक्स्ट बेस्ट थिंग का सैक्रिफाइस किया. यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 12 लाख रुपए महीना जो रिलायंस में इसको मिल सकता था. जब आप एक चीज को पाने के लिए नेक्स्ट बेस्ट को सैक्रिफाइस कर देते हो तो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. जैसे ही आपने टाटा को चुना, अगला बेस्ट आपका रिलायंस था, आपने उसको छोड़ दिया. भाई जो सबसे कम है उसको तो अपन इग्नोर करते हैं, हम बेस्ट की चॉइस करते हैं. हमारे लिए बेस्ट जॉब ऑफर टाटा और रिलायंस का था. यदि मैं टाटा को चुनता हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरी सैक्रिफाइसिंग वैल्यू क्या है, रिलायंस का 12 लाख रुपए है. और अगर मैं रिलायंस को चुनता, वहां की 12 लाख की नौकरी चुनता, तो मैं एक बेस्ट ऑफर को छोड़ के जा रहा हूं जो 15 लाख का था, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एक चीज को सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जिसको आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. जैसे और एग्जाम्पल देते हैं, मैं फूडी आदमी हूं, मेरे को खाना पीना बहुत पसंद है. अब मेरे सामने दो ऑप्शन है, एक है समोसा और दूसरा है डोसा. मैं चाहता हूं आज डोसा खाना, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये बताओ. मैं अगर डोसा खाऊंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये बताओ, बताओ. वेरी गुड, मैंने जिसको छोड़ दिया, ठीक है, जिसको छोड़ दिया वो मेरा सैक्रिफाइस होता है, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये दुनिया में नियम इसलिए बनाया गया ताकि आपको ये बताया जा सके आप हर चीज लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते. आपको अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ बेस्ट छोड़ना पड़ेगा. आपने जो छोड़ा है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. ये बात आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए. और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसका मेरे को आंसर दो. सपोज करो आपके पास है टाइम 3 आवर्स का, 3 घंटे का आपके पास टाइम है. 3 घंटे में आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, या आप मूवी देख सकते हो. तो आपने डिसाइड किया मूवी देखना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे गेम खेलना आपकी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आपको क्लियर है एकदम कि दुनिया में हर चीज एंजॉय नहीं कर सकते आप? आपने जिस चीज को सेक्रीफाइस किया, जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग थी, वो बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो बताना बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, पैटर्न बता दे रहा हूं। हरमनदीप हैज गॉट फोर जॉब ऑफर्स ऑफ सैलरी 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। He selected job offer of 8 lakh. What is the opportunity cost? बोलो। उसने 8 लाख का जॉब ऑफर चुन लिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। 7 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर वो 8 लाख नहीं चुना होता तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग उसके लिए 7 ही लाख होती। तो अगर उसने 8 लाख का जॉब ऑफर चुना है, तो उसका जो मेन सेक्रीफाइस है वो 7 लाख की नौकरी है। तो आपको इसमें हमेशा नेक्स्ट बेस्ट देखना है। आपने जो सिलेक्ट कर दिया उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा? ठीक है, आई होप आपको OC अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है और इसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, एकदम क्लैरिटी है इसमें, गुड। ठीक, अब ना मेरी बात को थोड़ा सा समझ लो आप लोग। अभी जो मैं आपको टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। ये कॉपी वॉपी बनाने का झंझट नहीं पालना है अपने। अपनी श्रद्धा हो तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। एज सच मैं आपको नहीं बोलूंगा कॉपी वॉपी बनाने। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका बैकअप वीडियो अभी क्लास में आता रहेगा, उसका बैकअप वीडियो क्लास में आता रहेगा। लेकिन क्लास अटेंड करना, बैकअप के चक्कर में एब्सेंट मत होना शुरू हो जाना, क्योंकि बैकअप जो है 1-2 दिन आएगा फिर बंद हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, अभी आपको इसका दे दूंगा नोट्स। नोट्स में मैंने जितना पढ़ाया है पूरा एक्सप्लेनेशन है, प्लस सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको पढ़ने। ये नोट्स आपको कब मिलेंगे, तो जब मेरा लेक्चर ओवर हो जाएगा, मतलब मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा और आप सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तब आपको मैं नोट्स दूंगा। मतलब आज सैटरडे है, तो आपको नोट्स मिलेंगे ट्यूसडे के दिन। आपको ट्यूसडे से इस नोट्स को पढ़ना है और नेक्स्ट सैटरडे को सहसंबंध टेस्ट वेस्ट दे देना। ट्यूसडे का आपको नोट्स दे दूंगा, फिर इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा मैं जो बोल रहा हूँ? कॉपी वॉपी अपनी श्रद्धा से बनाना हो तो बना देना, वरना जरूरी नहीं है। आपको मैं नोट्स दूंगा, ये तब दूंगा जब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दूं हर चीज का। ठीक है, ये लेक्चर मेरा ओवर होगा इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, ट्यूसडे को। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है अपना। और आपको बुक तो मैंने बता दिया, संदीप गर्ग खरीदनी है आपको। ठीक है, संदीप गर्ग खरीदनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मुझे ना अपनी अटेंडेंस दे देने देना एक बार। मैंने जो पढ़ाया है मुझे उम्मीद है आपको समझ आया है, बस आपको बस इसके नोट्स देखना है। ठीक है, लो एक बार मेरे को अटेंडेंस दे देने दो, ग्रुप मत छोड़ना, अटेंडेंस दे देना। और बराबर ऐसी मोटिवेशन बनाए रखना, खूब रिस्पॉन्स करना क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच बच्चों, मंडे को मिलते हैं हम लोग। मैक्सिमम कंसेप्ट तो आप सीख गए हो बेटा। वो वीडियो ना ग्रुप में है याशिका, एक बार देख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स 2 हिस्सों में है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं,
उसमें संदीप गर्ग का यूज करना है आपको, धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, और आपकी जो स्टैटिस्टिक है उसके लिए जैन ए नोहरी की बुक आपको देनी है, वो वीडियो देख लेना ग्रुप में। हाँ सौम्या बोलो बेटा, क्या डाउट है, क्या डाउट है सौम्या बताइए। बेटा चैप्टर नेम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर है देवव्रत, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप। बताइए, हाँ बना दीजिए ना, ये आपकी चॉइस है, मतलब मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जैसे आपको मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप इसको नोटिंग करनी है, बिल्कुल क्लास में साथ साथ आप नोटिंग करते जाइए, आपने रेफरेंस के लिए कॉपी बना दीजिए। आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, क्लास 11th में आ गए हो, तो कॉपी तुम लोग अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। बाकी मैं तुम लोग को नोट्स देता रहूंगा, तुम उससे पढ़ना, ठीक, आप ये करिए। चलिए काफी है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, और कोई तकलीफ हो तो बताना, कहीं अटको गया, कोई दिक्कत हो गई, नोट्स में क्वेश्चन हम क्लास में साथ में सॉल्व करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, हर एक क्वेश्चन को खुद बनाएंगे क्लास में हम लोग, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय।